नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक्ने यानी पिंपल्स यानी मुहासों के आपको छुट्टी दिलाने के 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जो आपकी मदद करके आपके स्किन को फ्लॉलेस बना सकती हैं और आपको एक्ने से छुट्टी दिला सकती हैं। सबसे पहले साथियों, हम लोग यह समझ लें कि एक्ने होता क्या है। यह साथियों अपनी स्किन होती है, स्किन में पोर होते हैं और जहां पोर होते हैं वहां पे हेयर फॉलिकल यानी हेयर होता है। हेयर फॉलिकल में सीबेसियस ग्लैंड सीबम ग्लैंड होता है जो ऑयल सिक्रीट करता है। कभी कभी होता क्या है कि यह जो ग्लैंड पोर होता है यह बैक्टीरिया या डस्ट के कारण ब्लॉक हो जाता है, तो जो ऑयल सिक्रीट होता है वह आपका बाहर नहीं आ पाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ से वहाँ पर कलेक्ट होके एक्ने बना लेता है। एक्ने को आप दो तरह से कह सकते हैं, एक ब्लैक हेड से एक वाइट हेड। बहुत कंफ्यूजन बना रहता है साथियों में। ब्लैक हेड साथियों तब होता है जब यहाँ जो बैक्टीरियल ग्रोथ है या बाहर की ओर स्किन की आ जाती है और जो है ऑक्सीजन की कमी से यहाँ एक डार्क लुक दिखने लगती है। व्हाइट हेड तब होता है जब यह ग्रोथ स्किन के थोड़ा नीचे तक सीमित रह जाती है और वह हम लोग को व्हाइट अपीयरेंस देती है। अब साथियों, हम लोग आते हैं अपने विषय पे कि अगर एक्ने हो गया तो इसको कैसे निजात पाई जाए। होम्योपैथी में इसकी बहुत कारगर दवाएं हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग चार भागों में बांट लेते हैं, चीक का एक्ने, माथे का एक्ने, फोरहेड का एक्ने, चिन का एक्ने और बैक का एक्ने। पहले बात कर लेते हैं चीक के एक्ने के बारे में। अगर आपके चीक के एक्ने हैं तो उसकी तीन बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपको इससे मुक्ति दिला सकती हैं। पहली दवा साथियों एंटीमक्रूड है। एंटीमक्रूड आपका बहुत कारगर दवा है। जब आपके पपड़ी येलोइश कलर की पपड़ी पड़ने वाला एक्ने अगर आपके गाल पर है, आपके चीक पर है, तो एंटीमक्रूड बहुत अच्छी दवा है जो आपको आराम दे सकती है। इस दवा के सिम्टम में इचिंग भी शामिल होती है। एंटीमक्रूड के मरीज को इचिंग यानी खुजली भी महसूस होती है। दूसरी दवा साथियों कैल्केरिया कार्ब है। कैल्केरिया कार्ब दिन में 3 बार ले सकते हैं वह लोग जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं, थोड़ा उनका शरीर थोड़ा भरा हुआ है और जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है और जिनके माथे और पाम से पसीना बहुत आता है, सर से पसीना बहुत आता है, वह कैल्केरिया कार्ब का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी दवा साथियों इसी सिलसिले में आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक्ने की बहुत कारगर दवा है। जब आपका पेट खराब रहता हो, पेट में गुड़गुड़ाहट रहती हो और आपको पीने में गर्म चीज़ें अच्छी लगती हों और खाने में मीठी चीज़ें अच्छी लगती हों, तो लाइकोपोडियम आपके चीक्स के एक्ने की बहुत अच्छी दवा है। फिर हम लोग आते हैं साथियों माथे की दवा पर, माथे के एक्ने पर। अगर आपके माथे पे एक्ने हैं तो उसके लिए दो बहुत कारगर दवा हैं, सुराइनम और हिपरसल्फ। सुराइनम आपकी तब कारगर है जब आपका जो उसका लुक है बड़ा डर्टी सा लुक है, कहते हैं गंदे से दाने निकल आए, अगर आप में ये भावना आए जो आपके माथे पर हों, तो जो है यह जो है सुराइनम का सिम्टम होता है। आप सुराइनम 30 दिन में 3 बार ले लें, आपके सिम्टम चले जाएंगे और आपका एक्ने ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा साथियों माथे के एक्ने के विषय में हिपरसल्फ होती है। हिपरसल्फ उस समय कारगर होती है जब मरीज को पेन हो, पेनफुल पस्टिकुलर एक्ने अगर आपके माथे पर हो रहा है तो हिपरसल्फ बहुत अच्छी दवा है। आप हिपरसल्फ 30 दिन में 3 बार ले लें, आपका जो है वह माथे पे पिंपल्स निकलना खत्म होने की पूरी संभावना है। फिर साथियों हम लोग आते हैं चिन पर। चिन पे अगर आपके एक्ने हैं तो उसकी साइलिसिया बहुत अच्छी दवा है। आप साइलिसिया उस मरीज के लिए कारगर है जिसको सर्दी बहुत लगती है सर्दी में और गर्मी में गर्मी बहुत लगती है और जिनके जो पस्ट्यूल होते हैं एक्ने होते हैं उनसे मवाद आता है, बड़े बड़े से होते हैं, वह साइलिसिया 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं, उनके एक्ने ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद साथियों इसकी दूसरी दवा जो चिन ठुड्डी से रिलेटेड एक्ने की है वह है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जिनका पेट हैबिचुअल ख़राब रहता है और जो चिड़चिड़े लोग होते हैं जिनका स्वभाव में चिड़चिड़ापन इरिटेबलनेस होती है समटाइम, उनके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवा है। आप नक्स वोमिका 30 दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें कम से कम 15 दिन तक, तो आपके चिन के एक्ने चले जाएंगे। फिर साथियों बैक के एक्ने। बैक में अगर आपके एक्ने हैं तो उसके लिए बहुत कारगर दवा है नेट्रम्यूर और सल्फर। नेट्रम्यूर उस सूरत में बहुत अच्छी दवा है जब आपके मरीज को नमकीन खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम का खेल है इसलिए इसमें सिम्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर आपको नमकीन खाना पसंद है तो नेट्रम्योर आपकी दवा है अगर आपके बैक पे एक्ने हैं, और आपको अगर मीठी चीज़ें खाना पसंद है तो सल्फर आपकी दवा है। दोनों ही सिम्टम में मरीज को सल्फर में खुजली बहुत ज़्यादा होती है आपके बैक में, और नेट्रम्योर में जो पलंग की गर्मी होती है बिस्तर की, वो मरीज नहीं बर्दाश्त कर पाता और खुजलाता रहता है। उसके अलावा साथियों, हम लोग के यहाँ बच्चियाँ परेशान रहती हैं कि प्यूबर्टी के एज में उनके पिंपल्स आ गए, एक्ने आ गए। इसके लिए साथियों पल्सेटला बहुत अच्छी दवा है। पल्सेटला 30 दिन में 3 बार वो मरीज ले सकते हैं जिनको प्यास ना लगती हो, जिनको खुली हवा का आनंद लेना ज़्यादा अच्छा लगता हो, उनके लिए बैक एक्ने प्यूबर्टी में एक्ने के लिए पल्सेटला बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा सीपिया, ग्रेफाइटस, डलकमारा आदि दवाएं भी ले सकते हैं, यह भी प्यूबर्टी के टाइम एक्ने की बहुत कारगर दवा है। साथियों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो दवा के संबंध में तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9415786380 है, 9415786380, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी समस्या का जो है वह हमको लिख कर भेज सकते हैं, कोशिश रहेगी आपको संतोषजनक उत्तर दिया जाए। साथियों अगर आपको ये भारत सृजन का स्वस्थ नागरिक स्वस्थ भारत मिशन के तहत यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, यह आपसे विनती है। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ पा पाएँ। इस तरह के अन्य वीडियो भी हम लोग देते रहेंगे, आपको जो बीमारी हो आप उसके लिए जो है वह हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।